मेरा नाम नुसरत खाली गनाई है, मैं रिपोरालार गांधरबल में रहती। हमारे कॉलेज में आज ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा था, मैंने ब्लड डोनेट किया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ब्लड डोनेट करके। आज पहली बार मैंने ब्लड डोनेट किया है और मैं चाहूँगी कि हर एक शख्स ब्लड डोनेट करे ताकि हर एक हम किसी की जान बचा सके। पहले डर लग रहा था, फिर जब स्टार्ट हुआ तो फिर डर नहीं लगा। वहाँ पे सब मोटिवेट कर रहे थे अच्छे से हो वो सब, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं होती है। इंसान को खुद डर रहता है कुछ हो ना जाए, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है ब्लड देने से, बस थोड़ा सा नर्वसनेस आ जाती है तो सब कुछ नहीं होता। मैं इकरा फारूक, मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ, मैं जीडीसी गांधरबल में पढ़ती हूँ। आज यहाँ पे एनसीसी क्लब ने ब्लड और डोनेट ऑर्गेनाइजेशन कैंप किया था यहाँ पे, तो हमने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। मैंने भी आज फर्स्ट टाइम मैंने भी ब्लड दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे हमारी बाबियों की जिंदगी बच सकती है। आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल में होते कभी ब्लड नहीं बनता है तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं सभी से बोलूंगी यही कि इसमें पार्टिसिपेट किया कीजिए। सर, पहली बार मैंने ब्लड डोनेट किया, इससे पहले कभी नहीं किया। पहले तो डर लगा थोड़ा थोड़ा, फिर ठीक हुआ, फिर मैंने बोला चलो। पहले तो डर लगेगा, लेकिन डरना नहीं होता है। जब सुई अंदर जाती फिर पता ही नहीं चलता है क्या होता है वहाँ। आज के हवाले से अगर हम बात करेंगे, आज के दिन के हवाले से एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांधरबल में हुआ था, इन कोलाबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल। तो आपको पता है कि हर साल या हर रोज या हर महीने लोग जो है वो अपना खून कहते हैं या पेश करते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज की सबसे बड़ी मिसाल आपने देखा होगा अंदर, आज हमारी बच्चियां हमारी लड़कियां सामने आ गई, खुद वॉलंटरी जो ब्लड देने के लिए आ गई हो, और तकरीबन अभी तक 25 पॉइंट जो हो गए हैं वो जमा हो गए और लड़कियों ने अभी ब्लड डोनेट किया है। तो सबसे अच्छा कदम है ये। आपको पता है इससे पहले जो है मेल भी डरा करते थे कि खून देने से शायद इससे कमजोरियाँ होगी या और कोई परेशान होगी, लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। अब लड़कियाँ जो कि हर एक फील्ड में आगे आगे हैं, हर एक फील्ड में मर्द के साथ शाना बशाना काम करती है, चाहे वो तालीम के लिहाज से हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के लिहाज से हो, चाहे वो एकेडमिक लिहाज से हो, चाहे वो अफसर लिहाज से हो। लेकिन आज सबसे बड़ी मिसाल यहाँ पे लड़कियों ने कायम की कि वो सामने आई और उन्होंने अपने खून की अपील पेश किया। इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है हमारे खून के लिए? तो मैं बधाई देना चाहता हूँ इन लड़कियों का जो वॉलंटियर सामने आई और अपने खून की अपील पेश किया।